हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इन्फिनिक्स नोट 35G का वाटर टेस्ट। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। मेरे पास है ये बेस वेरिएंट 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,999। बाकी यहाँ पे आपको 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट भी मिलता है जिसकी प्राइस है 15,999। कलर्स की बात करें तो दो कलर वेरिएंट्स आते हैं, ब्लू एंड ब्लैक। मेरे पास है ये ब्लू कलर वेरिएंट। इस फोन में हमें IP53 की रेटिंग मिलती है। फ्रंट में 6.7 इंचेस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। एंड इस फोन के जो स्पीकर्स हैं वो कोई नॉर्मल स्पीकर्स नहीं है, यहाँ पे हमें JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस फोन को पानी के अंदर रखने वाले हैं 1 से 1.5 मिनट तक, क्योंकि ये एक सफिशिएंट टाइम है। अगर किसी का फोन पानी के अंदर गिरता है तो इतने टाइम में वो फोन को बाहर निकाल ही लेगा। बाकी मैं इस फोन को पानी के अंदर सिर्फ टेस्ट करने के लिए डाल रहा हूँ। आप प्लीज अपने फोन के साथ ये सब ट्राई मत करिएगा, आपका फोन खराब हो सकता है। तो टेस्ट को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स को चेक कर लेते हैं, जैसे कि इसकी चार्जिंग। तो देखते हैं फोन चार्ज हो रहा है या नहीं। तो अभी के लिए जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो एकदम वर्किंग कंडीशन में है। अब हम इसे वाटर टेस्ट होने के बाद चेक करेंगे। बाकी एक बार कैमरा भी चेक कर लेते हैं। कैमरा भी एकदम वर्किंग कंडीशन में है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियर फोटो आई है। अब एक बार इसका स्पीकर चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर भी वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी के लिए फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फोन एकदम वर्किंग कंडीशन में है। अब हम इस फोन को रखेंगे इस बाउल के अंदर एंड उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है ये 1 लीटर पानी। तो चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑडियो जैक है वो ब्लिंक कर रहा है। फोन को मैं थोड़ा हिला देता हूं पानी के अंदर। फोन वाईफाई से कनेक्ट है एंड अभी भी वाईफाई कनेक्टेड है, सिर्फ ऑडियो जैक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो 1.5 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेते हैं। पावर बटन काम नहीं कर रही अभी के लिए। सबसे पहले चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। अब चेक करते हैं इसका कैमरा। कैमरा भी एकदम सही है, लेंस के अंदर पानी नहीं गया है। आप चेक करते हैं इसका स्पीकर। You know that you control me. Guilty
स्पीकर भी सही है। अब चेक करते हैं इसका चार्जिंग पॉइंट। तो चार्जिंग पॉइंट भी काम कर रहा है, तो अभी के लिए तो फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हेडफोन एक्टिवेट हो गया था जैसे ही पानी गया था पोर्ट में, बाकी अभी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है मुझे। तो Infinix Note 35G ने हमारे वाटर टेस्ट को पार कर लिया है। यहाँ पे वाईफाई भी कनेक्टेड है, पानी के अंदर भी वाईफाई कनेक्टेड था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। एंड टिल देन, Be happy, be safe.